हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो, जो आगे वाले वीडियो पे मैं बता रहा था, दूसरे वाले वीडियो पे इस प्रॉब्लम का सलूशन दूंगा। तो इस वाला वीडियो लेके आया हूँ, जो मेरा चैनल पे नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। दोस्तों, ये हमारा LG का TV है। इस TV का प्रॉब्लम था हमारा पावर सेक्शन तो मैंने रिपेयर कर चुका हूँ, आगे वाला वीडियो पे जाके देख लेना। ये वाला पावर सेक्शन STR का प्रॉब्लम था। हम लोग ये वाला STR को चेंज करके सिस्टम को रेडी कर चुका हूँ। लेकिन जो बता रहा था, हमारा रेडी होने के बाद भी हमारा जो TV पे जो पिक्चर नहीं था, वो वाला प्रॉब्लम को आज देखूँगा तो पता चल जाएगा ये वाला पिक्चर नो वाला जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कहाँ से आता है। इसलिए क्या करते हैं, TV को पावर दे देते हैं। पावर इंडिकेटर जल चुका है, स्टैंड बाई से रिलीज भी हो चुका है। रिलीज होने के बाद हमारे TV पे जो पिक्चर आना चाहिए वो पिक्चर पूरे थोड़ा सा भी पिक्चर नहीं है। जब मैं ESD को बढ़ा देता हूँ, ESD फोकस बढ़ा देता हूँ, तो बढ़ा देने के बाद जो हमारा पिक्चर का रिटेक्स आना चाहिए वो रिटेक्स भी नहीं है, और रिटेक्स लाइन भी नहीं है, और पिक्चर भी कुछ भी नहीं आ रहा है। देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके जो RGB का कलर का जो लाइन है वो थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन पिक्चर क्लियर नहीं है, पिक्चर नहीं आ रहा है। उसके बाद देखता हूँ क्या हमारा सिस्टम पे क्या प्रॉब्लम है। ये पहले भी बता चुका हूँ, हमारे पावर सेक्शन से जो जो वोल्टेज होना चाहिए वो वोल्टेज सही है, जैसे 120 वोल्ट वो सही है। उसके बाद एक वोल्टेज होता है 10 वोल्ट वो भी सही है, 12 वोल्ट वो भी सही है। उसके बाद एक वोल्टेज होता है जो साउंड सेक्शन के लिए होता है 16 वोल्ट वो भी सही है, पावर सेक्शन सही है। उसके बाद पावर सेक्शन के बाद ESD सेक्शन होता है, ESD सेक्शन देख लेंगे। ESD सेक्शन पे इनपुट होता है हमारा 122, वो वाला तो वोल्टेज ओके है। उसके बाद हमारा ESD रनिंग होने के बाद दो वोल्टेज तैयार होता है, एक 14 वोल्ट प्लस एक 14 वोल्ट माइनस। इस पे देखिए हमारा 15 वोल्ट प्लस आ रहा है और एक 15 वोल्ट माइनस होना चाहिए। ये वाला पॉइंट पे देखिए 15 वोल्ट माइनस, जो वोल्टेज हमारा वर्टिकल सेक्शन के काम करता है वो भी सही है। उसके बाद हमारा ये वाला 180 वोल्ट होता है, जो हमारा पिक्चर को बेसबोर्ड पे काम करता है 180 वोल्ट, वो वाला वोल्टेज को भी देख लेंगे 200 वोल्ट आता है कि नहीं। देख सकते हैं 200 वोल्ट ओके है, मतलब हमारा फिलामेंट भी जल रहा है, फिलामेंट का जो लाइट होता है फिलामेंट भी ऑन है, देख सकते हैं फिलामेंट ऑन है, मतलब हमारा फिलामेंट ओके है। 180 वोल्ट 200 वोल्ट ओके है, हमारा पावर सेक्शन ओके है, 14 वोल्ट प्लस 14 वोल्ट माइनस भी ओके है। हमारा सिस्टमेटिक हमारा 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट और हमारा होता है जो 9 वोल्ट, ये तीनों वोल्टेज भी हमारा सही है, लेकिन हमारा TV पे कोई भी पिक्चर नहीं आ रहा है। दोस्तों, ये ABL का प्रॉब्लम होता तो हमारा TV पे जो मेनू दबाने के बाद हमारा TV पे स्क्रीन आता है, मेनू का जो बटन दबाने के बाद हमारा मेनू का लोगो आता है, वो वाला लोगो आता है, लेकिन हमारा स्नो नहीं है, पिक्चर नहीं आता, वो वाला प्रॉब्लम होता है हमारा ABL सेक्शन से। लेकिन ABL सेक्शन पे भी चेक कर लेते हैं, हमारा ABL सेक्शन पे हमारा वोल्टेज देखिए 13 वोल्ट दिख रहा है, मतलब ABL पे वोल्टेज आ रहा है, मतलब हमारा ABL सेक्शन सही है। और जब मैं मेनू को दबाता हूँ, ये मेनू बटन को दबाता हूँ, देखिए ये मेनू दबाने के बाद हमारा मेनू का जो लोगो आना चाहिए वो लोगो नहीं है। लेकिन एक चीज़ गौर कीजिए, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ TV को हल्का सा घुमा के। मैं जब मेनू को दबाता हूँ, एक गौर कीजिए, हमारा RGB का एक लाइन पड़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके दिख रहा है। और जब मैं मेनू को दबाता हूँ तो मेनू दबाने के बाद हमारा TV पे एक हल्का सा रेनबो कलर आ रहा है, आप लोग शायद देख नहीं पा रहा है, लाइट बहुत ही कम है, इसीलिए मैं फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख सकते हैं हमारा रेनबो कलर आ रहा है मेनू दबाने के बाद। ये मेनू का लोगो का जो लोगो होता है ना, मेनू का जो लोगो लिस्ट होता है वो लेगो लिस्ट है, लिस्ट पे ही ये वाला रेनबो आ रहा है। जब ये लिस्ट हट जाएगा तो ये रेनबो हट जाएगा। देखिए मैं मेनू का हटा देता हूँ, देखिए हटा दिया तो रेनबो हट गया। मतलब दोस्तों, आज का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आ रहा है हमारा वर्टिकल सेक्शन से। जो वर्टिकल सेक्शन हमारा रेनबो कलर
प्रॉब्लम देगा तो हमारा स्किन पे कुछ भी नहीं होगा, और रेनबो कलर हल्का सा आएगा तो हमारा ट्यूब का जो पॉइंट है वो पॉइंट ख़राब हो सकता है। इसीलिए क्या क्या चीज़ गौर करना ज़रूरी है, हमारा एक तो वर्टिकल आईसी ख़राब हो सकता है, वर्टिकल आईसी ख़राब हो जाने से हमारा रेनबो कलर आता है, और दूसरा हमारा माइनस नेगेटिव वोल्टेज ख़राब होने हो जाने से भी हमारा रेनबो आ सकता है, लेकिन माइनस वोल्टेज जो नेगेटिव वोल्टेज होता है वो वोल्टेज ख़राब निकलेगा तो हमारा ट्यूब जो लाइन होता है हॉरिजेंटली लाइन दिखेगा लेकिन हमारा रेनबो नहीं दिखेगा। और एक गौर कीजिए एक चीज़, हमारा सिस्टमेटिक हमारा मेन आईसी से दो वोल्टेज दो फ्लिप निकलता है अप डाउन सिस्टम के लिए, वो दोनों सिस्टम आता है इस वाला पॉइंट पे, ये देखिए ये दोनों पिन पे VDR B VDR A, ये दोनों जो पॉइंट है ये दोनों पॉइंट पे हमारा वोल्टेज आता है सेम वोल्टेज, नहीं तो हमारा सिस्टमेटिक काम नहीं करेगा। इस पे देखिए एक पिन पे देखती है हमारा 0.4 वोल्ट, यहाँ पे 0.6 होना चाहिए, और दूसरा वाला जो पॉइंट है ये दूसरा वाला पॉइंट पे हमारा वोल्टेज होना चाहिए वही 0.4 वोल्ट, लेकिन दिख रहा है 1.8। ये वाला वोल्टेज जब तक आप लोग सही नहीं करेंगे तो वर्टिकल आईसी काम नहीं करेगा, और वर्टिकल आईसी काम नहीं करेगा तो हमारा सिस्टमेटिक जो रेनबो कलर आ रहा है वो रेनबो कलर रहेगा। और एक चीज़ आसानी से आप लोग पता कर सकते हैं हमारा जो वर्टिकल आईसी सही काम कर रहा है कि नहीं, इसीलिए ये जो दोनों पिन आ रहा है दो वोल्टेज पिन, वो पिन को दोनों को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद एक एक पिन को कनेक्ट करके देखिए हमारा स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, स्क्रीन पे कोई भी फर्क दिख रहा है दिखेगा तो हमारा ये वर्टिकल आईसी सेम काम करेगा, नहीं तो ये वाला पिन को ओपन करने के बाद जो इनपुट जो दो पिन है वो तो दोनों पिन को आप टच करके देखना, टच करके देखने से पता चल जाएगा हमारा अप डाउन जो स्क्रीन है वो अप डाउन होता है कि नहीं, मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों मैंने ये दोनों पिन को मैंने ओपन कर चुका हूँ, ओपन करने के बाद एक चीज़ दिखाता हूँ, हमारे टीवी पे अब हॉरिजेंटल लाइन आएगा, हॉरिजेंटल लाइन देखिए दोस्तों हमारा थोड़ा सा हॉरिजेंटल लाइन दिख रहा है, शायद मैं स्क्रीन को चेंज करता हूँ, जब मैं एबी को चेंज करता हूँ देखिए ये हमारा एबी का जो एबी या हमारा टीवी का जो नंबर होता है वो दिख रहा है, देख सकते हैं हमारा कंप्यूटर भी लिखा जो होता है वो छोटा सा दिख रहा है लेकिन है हमारा अंदर में पिक्चर है, जो रेनबो कलर होके हमारा पिक्चर पूरी तरह से बैंड हो गया था वो वाला प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, जो हमारा पिक्चर का थोड़ा सा भी नहीं दिख रहा था वो वाला दिख रहा है। मैं जब देखिए मैं मेनू को दबाता हूँ, मेनू को दबाने से भी हमारा लिस्ट आ रहा है, मतलब हमारे अंदर में स्क्रीन पे पिक्चर है, लेकिन यहाँ पे मैं दोनों पिन को ओपन करने के लिए हमारा पिक्चर का स्क्रीन नहीं अप डाउन हो रहा है। मैं क्या करता हूँ इसको टच करेंगे, मेरा स्क्रीन से टच करेंगे तो कैसे पिक्चर चेंज होता है देखिए। दोस्तों जब मैं टच करता हूँ देखिए कैसे पिक्चर अप डाउन हो रहा है, मतलब एक एक पिन है अप डाउन जो स्क्रीन को अप और डाउन को काम करने के लिए एक पिन है, देखिए नीचे वाला काम कर रहा है, और दूसरा वाला होता है हमारा ए वाला, देखिए अप साइड पे काम कर रहा है, मतलब हमारा ये जो वर्टिकल आईसी है वर्टिकल आईसी काम कर रहा है, अप डाउन सेक्शन ही काम कर रहा है। इसके लिए उसके बाद एक चीज़ दिखा दो, ये वाला पिन को एक एक करके कनेक्ट करके देखेंगे। देखिए ये जब पिन को मैं नीचे वाला पिन को जो नीचे वाला पिन है नीचे वाला पिन पे जो हमारा वोल्टेज आ रहा है 2.9, वो वाला वोल्टेज पिन को जब मैं टच करता हूँ कुछ भी स्क्रीन पे नहीं है, जब मैं इसको हटा देता हूँ तो हमारा स्क्रीन पे जो लिखा आ रहा था वो लिखा फिर से आ चुका है, देख सकते हैं हमारा स्क्रीन पे पिक्चर है। और ये दूसरा नंबर जो पिन है ये दूसरा नंबर पिन को मैं जब फिर से टच करता हूँ जो 0.3 वोल्ट दिख रहा था वो देखिए हमारा अप साइड का पिक्चर अपार कर रहा है, मतलब बढ़ा रहा है। मैं मेनू दबा के आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे बढ़ रहा है, देखिए
देख सकते हैं हमारा जो मेनू का जो लिखा है वो आप साइड पे चला जा रहा है, मतलब जो वाला पिन पे हमारा ज़्यादा वोल्टेज है वो वाला पिन हमारा ख़राब है, ये वाला पिन ख़राब है। जो हमारा 3 2.9 दिख रहा है और ये वाला पिन हमारा 0.6 दिख रहा है, 0.6 0.77 नहीं दिखेगा, 0.6 दिखेगा, वो वाला पिन हमारा सही है। लेकिन जो पिन पे हमारा दिख रहा है 2.8 2.9 वो वाला पिन हमारा ख़राब है, ये सिंक नहीं कर रहा है। उसको टच करने से हमारा वर्टिकल सेक्शन पे जो रेनबो कलर आ रहा है इसीलिए आ रहा है। लेकिन दोस्तों आपको बार बार बोल के चलता हूँ हमारा सिस्टम आईसी ख़राब नहीं होगा, बार बार बोलता हूँ हमारा सिस्टम आईसी 100% पे हमारा 20% खराब होगा, 80% नहीं खराब होगा। लेकिन यही पे से हमारा वोल्टेज आ रहा है क्योंकि ये वाला पिन को प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। हमारा सिस्टम पे जो 0.67 वोल्ट आ रहा है ये तो सही है, लेकिन दूसरा नंबर पिन पे 3 वोल्ट 2.9 दिख रहा है, वो वाला पिन को प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये आईसी पे सिस्टम काम नहीं कर रहा है। जो आईसी चेंज करेंगे तो भी यही वाला प्रॉब्लम रहेगा, नहीं तो ये वाला आईसी चेंज करेंगे या हमारा इप्रोम आईसी चेंज करेंगे वही प्रॉब्लम रहेगा। इसको ढूंढने के लिए एक चीज़ बता देता हूँ, मेरा वीडियो प्लेलिस्ट पे चला जाना, मेरा चैनल को, मेरा चैनल पे जो वीडियो प्लेलिस्ट है उस पे भी दिया गया है हमारा और एक वीडियो जो रेनबो कलर को कैसे फिक्स करते हैं, रेडी करते हैं, वो वाला वीडियो को देखने से आप लोगों को पता चल जाएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ कहाँ पे प्रॉब्लम है। मैं आईसी का पिन को अच्छी से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये जो पिन है ए VDRB VDRA, ये दोनों पिन हमारा वर्टिकल आईसी के लिए अप डाउन के लिए काम करता है। लेकिन ये जो वाला पिन है VSC, जो हमारा पिन है VSC जो हमारा पिन है, ये पिन हमारा वर्टिकल आईसी का जो लेंथ को बढ़ाने कमाने के काम करता है वो वाला पिन को प्रोटेक्ट करता है, ये वाला पिन हमारा काम नहीं कर रहा है। मैं फिर से एक बार इसको वोल्टेज देके दिखाता हूँ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम दे रहा है। मैं टीवी को फिर से पावर दे दिया, पावर देने के बाद ये वाला पिन को मैं चेक करूँगा, देखिए 3.6 दिख रहा है, पॉइंट पे 3.6 दिख रहा है और इस वाला पिन पे देखिए 0.8 वोल्ट 1 वोल्ट, ये वाला प्रॉब्लम अप डाउन वोल्टेज अप डाउन होता है। लेकिन इस वाला पिन पे हमारा वोल्टेज है जो 3.6, ये वाला जो पीएफ को ग्राउंड करके रखा है प्रोटेक्शन के लिए ये वाला पीएफ काम नहीं कर रहा है, इसीलिए ही हमारा वर्टिकल सेक्शन का प्रॉब्लम दे रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, ये जो पिन को मैंने ओपन किया इसको कनेक्ट कर दूंगा और ये वाला जो पीएफ है पीएफ काम नहीं कर रहा है, ये पीएफ को चेंज करना पड़ेगा। ये पीएफ को चेंज कर देने से हमारा सिस्टमेटिक काम करना शुरू हो जाएगा। देखिए कैसे मैं करता हूँ दोस्तों, मैंने इस वाला जो पॉइंट पे एक ग्राउंड के साथ पीएफ लगाया हुआ था, ये पीएफ को मैंने ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद ये वाला पिन पीएफ का नंबर दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये 104J 100 वोल्ट का पीएफ था, ये पीएफ को चेंज करना पड़ेगा। वही नंबर के साथ मैंने एक पीएफ लेके आया हूँ, इस पीएफ का नंबर 154J 100 वोल्ट का पीएफ है, ये पीएफ को इस पे कनेक्ट करूँगा। कनेक्ट करने के बाद देखूँगा हमारा सिस्टमेटिक जो प्रॉब्लम था वोल्टेज का प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। ठीक है, इसको कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों। देखिए ये वाला जो पीएफ हमारा था पीएफ को रिप्लेस करके मैंने एक नया वाला पीएफ लगा चुका हूँ। लगाने के बाद इसको फिर से पावर देता हूँ, पावर देने के बाद इस पे हमारा दिख रहा है 3.3 जो दिख रहा था, 3.6 दिख रहा था, वो वाला वोल्टेज देखिए 2.3 हो गया है। और जो हमारा एक पॉइंट पे इस वाला पॉइंट पे दिख रहा था 2.8 2.9 वोल्टेज दिख रहा था, वो वाला पॉइंट पे फिर से चेक करेंगे
ये वाला पॉइंट पे चेक कर लेते हैं, 1.3 दिख रहा है, उस वाला पिन पे भी 1.2 दिख रहा है। ये दोनों पिन पे सेम वोल्टेज होना चाहिए, नहीं तो हमारा सिस्टमेटिक जो पिक्चर है पिक्चर नहीं आएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को टीवी पे जो पिक्चर आना चाहिए था वो वाला पिक्चर को दिखा देता हूँ। देखिए हमारा कंप्यूटर कंप्लेन आ रहा है, ये देखिए हमारा आरएफ पे पिक्चर आ चुका है। ये AV, AV1, AV2 देखिए हमारा आरएफ पे पूरी तरह से पिक्चर है। और इस पे जो हमारा वोल्टेज का जो अप डाउन था वो वाला पॉइंट पे भी हमारा 1.2 और इस वाला पॉइंट पे भी 1.2 आ चुका है। उसके बाद ये दूसरा नंबर पिन पे देखिए, ये वाला हमारा एक इनपुट पिन है 0.3 और ये वाला एक पिन है 0.3। मतलब हमारा सिस्टम आईसी से जो फ्लिप निकलता है वो दोनों फ्लिप हमारा सेम वोल्टेज का रहना चाहिए, नहीं तो वर्टिकल आईसी काम नहीं करेगा। और ये प्रोटेक्शन सेक्शन का पीएफ हमारा ख़राब हो जाने से ही इस वाला प्रॉब्लम आया था और हमारा टीवी पे कोई भी पिक्चर नहीं था। वो वाला जो प्रॉब्लम मैं आगे वाले वीडियो पे बता रहा था, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा हमारा वीडियो, इसीलिए दूसरा पार्ट पे बताऊँगा। तो ये पहले नंबर पार्ट पे मैं बता रहा था हमारा प्रॉब्लम था आज का टीवी का पूरी तरह से डेड होके आया था, हमारा पावर सेक्शन पूरी तरह से शॉर्टेज था, पावर देने से हमारा MCP बंद पड़ जा रहा था, मतलब हमारा पावर सेक्शन पूरी तरह से शॉर्टेज था। और उसको STR चेंज कर देने के बाद मैं देखता हूँ क्या हमारा स्क्रीन पे कोई भी, तब मैंने क्या किया पूरा सिस्टम को चेक करने के बाद हमारा EST सेक्शन, हमारा रेगुलेटर सिस्टम, हमारा मेन सिस्टम जो मेन प्रोसेसर लगाया हुआ है उसको भी चेक करने के बाद मुझे पता चला हमारा वर्टिकल सेक्शन का ही खराबी है। जो वर्टिकल आईसी को चेक किया तो वर्टिकल आईसी सही दिख रहा था, हमारा मेन प्रोसेसर से जो वोल्टेज निकलता है या फ्लिप निकलता है वो अप डाउन सेक्शन का काम करवाने के लिए वो वाला प्रॉब्लम निकला। एक पे हमारा 2.8 दिख रहा था, एक पे 0.6 वोल्ट दिख रहा था। लेकिन जब मैं प्रोटेक्शन का पीएफ को चेंज कर दिया तो हमारा सिस्टमेटिक जो 1.2 दोनों वोल्टेज सही आ गया और हमारा टीवी पे जो पिक्चर का प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। ठीक है दोस्तों, मैं क्या करता हूँ इसको AV कनेक्ट करके आप लोगों को पिक्चर दिखा देता हूँ कैसे पिक्चर आ रहा है। दोस्तों मैंने टीवी को AV से कनेक्ट कर चुका हूँ और कनेक्ट कर देने के बाद मैं टीवी को पावर दे चुका हूँ। पावर देने के बाद दोस्तों मैं टीवी को सिस्टमेटिक जो हमारा पिक्चर आना चाहिए कैसे पिक्चर आ रहा है देखिए। जो टीवी पे कोई भी स्क्रीन नहीं था हमारा AV लगाने के बाद, हमारा जो प्रोटेक्शन PF को चेंज कर देने के बाद हमारा सिस्टम पे पिक्चर भी पूरी तरह से क्लियर आ चुका है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।